तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं प्रोफेसर उमेश राय से जो जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं साइंस में इनोवेशन में विज़न में जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी को एक पहचान दी है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तो ये स्पेशल कन्वोकेशन का आइडिया और इसके पीछे क्या क्या है ये एक तो कन्वोकेशन होती है एक स्पेशल कन्वोकेशन है मेडल्स वेडल्स दिए जाते हैं लेकिन जिस प्रकार से आपने इसको कंसीव किया है इस आइडिया को वो हमें बताएं कष्ट है मुझे ये बताने में और आ, मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा सिर्फ इतना कहूँगा 2016 से मेडल्स जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उनको नहीं मिला और 2017 से कन्वोकेशन ही नहीं हुआ है तो जब मुझे ये पता चला कि 2017 से कन्वोकेशन नहीं हुआ है तो मुझे पीड़ा हुई क्योंकि मैं जहां से पढ़ा हूं और मैं जहां पढ़ाया हूं हर वर्ष कन्वोकेशन होता है बच्चे की बड़ी इच्छा होती है जी। वो इस दिन का इंतजार करता है तो मैंने आ, अपने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आग्रह किया कि स्पेशल कन्वोकेशन एक पहले कर लें जिसमें कि हम 17, 18, 19 के बच्चों को डिग्री और 16 तो के भी बच्चों को मेडल तो 16 से 19 तक के बच्चों को मेडल और 17, 18, 19 के बच्चों को डिग्री एक पार्ट पर हम इसको कर लेंगे फिर उनसे हम आग्रह करेंगे एक और कन्वोकेशन का वो भी शायद संभवतः स्पेशल कन्वोकेशन जिसमें कि 20 और 21 को एड्रेस करें, करें। तब एक रेगुलर कन्वोकेशन जिसमें कि 22 का हम लेकर के आए और आई एम हैप्पी कि ही एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट एंड वेरी शार्ट टाइम दिस स्पेशल कन्वोकेशन इज बीइंग हेल्ड और उसमें हमारे आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति आ रहे हैं यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है सब ये कन्वोकेशन का जो आपने आइडिया बताया एक तो ट्रेडिशनल जो कन्वोकेशन है उससे हटके क्या है इसमें और इस ट्रेडिशन कन्वोकेशन ट्रेडिशनल होगा इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जो उसके एड्रेस होगा वो एड्रेस इस बार डिफरेंट होगा चाहे वो एड्रेस हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी का होगा या वो एड्रेस हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का होगा आपने डॉक्यूमेंट्री में एक चीज़ ध्यान दिया होगा जी कि हमारे चांसलर साहब ने कहा कि शिक्षा चार दीवारियों में कैद बाहर, है वो अध्यापक वाइस चांसलर ये सिलेबस से बधे हुए हैं सिलेबस कंप्लीट करने में विश्वास रखते हैं हम मैं चाहता हूं कि शिक्षा चार दीवारियों से बाहर निकले और इस बार का कन्वोकेशन का एक उद्देश्य यह मैसेज देना है कि शिक्षा को हम चार दीवारियों में कैद न करें इसको लेकर के बाहर आए एक तो ये बात तो आपने विशेष बताई लेकिन जिस बात पे मैं आना चाहता था, जी मैंने ये सुना क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी वापस्तगी रही है 1977 से इस यूनिवर्सिटी के साथ हैं कैंपस अलग हुआ करते थे तो उन दिनों तो ओल्ड कैंपस था कि इस पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वोकेशन नहीं है इसमें फैकल्टी को हर स्तर पे हर आदमी को एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दी गई है वो एक नई बात हो रही है विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव uh, लोगों का नहीं है फैकल्टी uh, और स्टूडेंट्स किसी भी प्रोग्राम की सफलता जब तक फैकल्टी और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ना हो तो नहीं होता है और आ, मैं सिर्फ इसी में नहीं आज भी जो मैंने एक मीटिंग रखी थी वो हेड और डिन के साथ क्यों नहीं रखी थी सारी फैकल्टी के साथ रखी थी सारी फैकल्टी सारे ऑफिसर्स तो, तो उसी मंथन से अमृत भी निकलता है विश भी निकलता है विष को किनारे रखेंगे कहीं लेकिन अमृत हमारा पान जो है विश्वविद्यालय करे सागर मंथन के बाद कुछ तो कुछ तो निकलता वैसे तो इस कन्वोकेशन से बाद में आपका जो विजन है जैसे हमने देखा कि डिजाइन योर डिग्री जो एक फ्रीडम है अपने स्टूडेंट को कि अपनी डिग्री इस कॉन्सेप्ट को कैसे आप ट्रांसलेट कर रहे हैं एक्शन में ये ये मेरे दिल की बात आपने कही है आ, इसका एक प्रयास 2012 में जब प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब वाइस चांसलर थे जे. मैं उनके साथ डायरेक्टर साउथ कैंपस था तो वो एक्सपेरिमेंट हमने वहाँ किया है जे. तो उस उस एक्सपेरिमेंट के कारण क्लैरिटी मेरे पास है आ, इस डिजाइन योर डिग्री अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हुँ. पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में चलने जा रहा है क्योंकि यहाँ केवल पीजी प्रोग्राम चलता है जी यूजी प्रोग्राम कॉलेजेस में जी इस प्रोग्राम में हमने प्रयास किया है कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन लेटर एंड स्प्रिट उसको लेकर के आए हम कहना क्या चाहते हैं आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एक साल में बच्चा छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट देंगे सर्टिफिकेट किस में हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं स्किल्स स्किल्स यस और means. जब आप मेजर और माइनर पहले सेमेस्टर से इंट्रोड्यूस कर देंगे सब्जेक्ट को कि आपका मेजर सब्जेक्ट ये माइनर केवल चार क्रेडिट का स्किल्स रखेंगे तो आपने तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लेटर को खत्म कर दिया बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ तो हमने क्या किया चार सेमेस्टर दो साल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स नहीं मैथमेटिकल एबिलिटी एनालिटिकल एबिलिटी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस क्रिएटिव थिंकिंग कम्युनिकेशन स्किल ये प्रोजेक्ट मोड में होंगे क्या अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे नहीं एक ग्रुप में डिफरेंट स्ट्रीम से जो बच्चे आएंगे वो एक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे चैलेंजेस ऑफ जम्मू रीजन उस उस चैलेंज पर वो ग्रुप काम करेगा मेंटर होंगे वो बच्चे जो होंगे वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के होंगे सो पीयर लर्निंग एक दूसरे से उसमें ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज साइंसेज कॉमर्स ये बच्चे होंगे सो पीयर लर्निंग और ये सारे पेपर्स आपके जितने मैं कह रहा हूं स्किल्स ये सब उस प्रोजेक्ट पर लगेंगे तो वो बच्चा एक ऑन एक्सपीरियंस लेगा स्किल्स का दो साल में इतना एम्पावर्ड हम कर देंगे कि उसको मुड़ करके नौकरी के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे एक बात और देखी जो हमने कि बच्चे सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस पे नहीं पढ़ न, पढ़ नहीं रहे रिसर्च नहीं कर रहे ये फील्ड्स पे जा रहे हैं और इंट्रैक्शन कर रहे हैं फार्मर्स के साथ बाकी जो लोग हैं तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और उसको आप कैसे देख रहे हैं कि जमीन से जोड़ रहे हैं लैंड टू लैब लैब टू लैंड मतलब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अगर इस पर रोशनी मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगा जी <laughs> मैं मेरा विषय जोआलॉजी जंतु विज्ञान जी जी। और मेरा स्पेशलाइजेशन रहा फिशरी एम एस सी में और रिसर्च एरिया मेरी रही इंडोकोलॉजी और रिपोर्टिव फिजियोलॉजी फिशरी Hmm. हम ब्लैकबोर्ड टीचिंग से फिशरी पढ़ाते हैं hmm. बच्चा मछली पकड़ना ही नहीं जानता है hmm. और फिशरी में स्पेशलाइजेशन कर लेता है hmm. और वो किसान जो फिशरी पढ़ा नहीं है लेकिन मत्स्य पालन थाउजेंड टाइम्स बेटर समझता है देन अ प्रोफेसर हु इज टीचिंग द फिशरी फार्मर्स के प्रॉब्लम क्या क्या हैं बैठ बैठकर के क्लासरूम में आप नहीं समझ सकते हैं तो आपकी तो क्लास चलनी चाहिए उस पांड के किनारे जहां पर फिश फार्मिंग हो रही है उस फार्मर से समझना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम कोई जरूरी नहीं कि जोआलॉजी से रिलेटेड हो वो प्रॉब्लम कॉमर्स की हो सकती है वो प्रॉब्लम ट्रेड की हो सकती है वो प्रॉब्लम मार्केटिंग की हो, की हो सकती है इकोनॉमिक्स की हो सकती है फिश पैकेजिंग की है एक्सपोर्ट करने की है मार्केट खोजने की है लेकिन क्या हम बाउंड्री डिजॉल्व करने के लिए तैयार हैं इसीलिए जरूरत है आपने वो तो फील्ड में जब जाएंगे तो आपकी बाउंड्री डिजॉल्व होगी और कनेक्ट करेंगे प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम को आप अपने करिकुलम में एड्रेस कीजिए वैसे जम्मू कश्मीर में हमारी एक विशेष पहचान है हमारी ज्योग्राफी है हमारी हेरिटेज है आपने इसके साथ जैसे हम देख रहे थे कि डोगरा हेरिटेज के साथ कुछ फेस्टिवल्स कराए आपने और वैसे ही हमारे यहाँ सेना और अर्धसैनिक बल चाहे वो सुचेतगढ़ में आपके बच्चे गए और ये क्या, हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के साथ तो आप एम ओ यू किए हैं ये सब आपने कंसीव किया और कैसे किया और इसके पीछे इंटीग्रेशन का आइडिया तो है ही लेकिन उसके बियॉन्ड क्या है जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान हो वह नर नहीं निरापुष पत्थर समान है तो अपनी रूट से जुड़ने का और जब हम रूट से कह रहे हैं तो सिर्फ दक्यानुषि विचार से लेकर के नहीं कह रहे हैं हमारे रूट्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनका कि साइंटिफिक परस्पेक्टिव है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस से लेके आज तक उसको हमने कभी फोर फ्रंट पर नहीं रखा अब मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा जी। बचपन में जब कॉन्स्टिपेशन बच्चे को होता था तो माँ हरड़ घिस करके दे दे नेवल पॉइंट पर लगाती थी कहाँ हम इस, इस जानकारी को लेकर के आते हैं हम इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं लेकिन इन्वायरमेंट से परिचय नहीं कराते हैं समझते भी नहीं समझते भी नहीं, भी नहीं। तो जो आपकी शिक्षा उस वह शिक्षा किस काम की जो आपको आपके चीज़ों से परिचित न कराए ये एक उद्देश्य था दूसरी चीज जैसे कि हम आपने कहा हाई हाईट्यूड वॉरफेयर का जम्मू यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है ऐसे रीजन में जिसकी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ती है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है बहुत इम्पोर्टेंट हमारे आर्मी के ऑफिसर्स की क्या रिक्वायरमेंट है एंड हाउ कैन बी हेल्प देम थ्रू अवर करिकुलम और हमारे बच्चों को क्योंकि मैं भद्रवा गया था हमारा एक कैंपस है जी जी और जाने पर मुझे लगा कि जम्मू रीजन में वो सब कुछ है जिसके लिए लोग कश्मीर रीजन में जाते हैं जी जी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू रीजन उस ढंग से प्रोजेक्ट पास में नहीं किया गया नहीं। अभी काफ़ी हद तक हमारे एलजी साहब के नेतृत्व में ये चीज़ें आ, प्रोजेक्ट हो रही हैं मेरा था कि मैं ऐसा डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स लेके आऊं जो जम्मू रीजन को के उसके टूरिज्म पार्ट को लेकर के जो है प्रोजेक्ट कर सके इसलिए मैंने हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट जोग्राफी डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट इनके साथ मिलकर के ट्रांस डिसिप्लिन मोड में वह प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और जो वारफेयर स्कूल है उसमें हमारी क्या मदद कर रहा है तो हमारे बच्चों को एडवेंचर एडवेंचर टूर को जो है की ट्रेनिंग दे देंगे वो तो वो बच्चे अपना एक, एक एंटरप्रनोर सो सकते हैं ये मिला करके इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारे हम कवायद कर रहे हैं आपने जम्मू रीजन की बात की तो वैसे वे मैं भी जम्मू का रहने वाला हूँ और हमारे में नहीं क्यों जम्मू वालों में थोड़ा सा इंफ्रिटी कॉम्प्लेक्स से कि हम ये नहीं कर सकते हम वो नहीं कर सकते वो किन्हीं भी वजूहत से रहा हो मैं उनमें नहीं जाना चाहता तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स को दूर करने में जो आपके ये विषय हैं और जो इनिशिएटिव्स हैं ये आप समझते हैं कि तीन तक इनको बैलेंस कर पाएंगे या ठीक कर पाएंगे बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन महत्व तो रखती है जी। आ, आपको खुशी होगी पिछले साल और इस साल जम्मू विश्वविद्यालय को कैपेक्स ग्रांट बहुत जो पहले नामिनल मिला करती थी एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन इस बार जम्मू यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा कैपिटल ग्रांट मिली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए या इंटरप्रनरशिप uh, के लिए स्किल्स के लिए इंजीनियरिंग किचन के लिए कॉलेज ऑन व्हील्स के लिए हमारा फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिला है हमारी फैकल्टी हमारा ऑफिसर पहले कोट करता था श्रीनगर में ऐसा होता है आई सेड पहले आपको जो है ये कहना है कि वो कोट करेंगे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है हमको ऐसा बनना है तो आप, मैं धीरे धीरे करके प्रयास कर रहा हूँ वैसे आपने ज़िक्र किया कॉलेज ऑन व्हील्स का तो ये क्या कॉन्सेप्ट है आ, ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया है जी और आप उसके दो पार्ट हैं इसमें कॉलेज ऑन व्हील्स में प्रयास हो रहा है कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हमको ज्वाइन करें हो सकता है कि पहले ट्रिप में ना करें तो दूसरे ट्रिप में करेंगी इसमें आ, कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू बाबा गुलाम शाह माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इनके बच्चे रहेंगे तो एक जो रीजनल डिफरेंस है कश्मीर रीजन और जम्मू रीजन का सो कास्ट क्रीड रिलीजन रीजन ये खत्म करना एक दूसरा पार्ट है ये सिर्फ एक जो टूर होता है घूमने का वो ट्रिप, नहीं है। वो ट्रिप नहीं है ट्रेन जिस रीजन से गुजरेगी सो दे हैव टू आइडेंटिफाई दी जो है प्रॉब्लम्स ऑफ दैट रीजन और पांच बच्चों के बीच में एक लैपटॉप दिया जाएगा वो बच्चे दस बच्चे हों। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग होगी प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा उसके आधार पर वो बच्चे सेलेक्ट होंगे मेंटर्स उनका रहेगा तो ऐसे करीब 1100 या 1200 बच्चे और उनके जो है 120 के आसपास मेंटर्स वो जाएंगे और पहला जो है शायद अहमदाबाद बॉम्बे बंगलोर मिस इसरो गोवा का शिप ये प्लान बन रहा है अक्टूबर में हम प्लान कर रहे हैं तो उसका नाम हम दे रहे हैं कॉलेज ऑन व्हील्स कॉलेज ऑन व्हील्स जी जी और उसमें दो होंगी जो कोच एयर कंडीशन होगी ट्रेन नहीं होगी और उस कोच को लाइब्रेरी में हम कन्वर्ट करेंगे अच्छा। बाहर बच्चे को दो किताब पढ़नी होगी उस पर अपनी कमेंट्री लिखनी होगी ट्रेन चलती रहेगी वो प्रोजेक्ट पर अपना काम कर रहा है उसका प्रेजेंटेशन ट्रेन में चल रहा है जो सारी बोगियों में अनाउंसमेंट चल रहा होगा सो इट्स कॉलेज

और जितना गांधी जी जब आए थे साउथ अफ्रीका से जितना रेलेवेंट रेलिवेंट उस समय था उतना ही रेलिवेंट आज भी है उतना ही रेलिवेंट जो है सदियों बाद भी रहे बिल्कुल ये ये मेरी पहली धारणा है अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि गांधी के विचारों को लेकर के सिर्फ हम ब्लैकबोर्ड टीचिंग या क्लासरूम में लेक्चर्स उससे कितना बच्चे को परिवर्तित कर पाएंगे और मेरा अपना मानना है कि गांधी के जो विचार रहे हैं गांधी के जो कार्य रहे हैं वो हैंडसॉन एक्सपीरियंस के माध्यम से तो बच्चे को उस पर प्रोजेक्ट दी जाए बच्चा उस पर काम करे और मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं अपना आप खुद का देखें अगर अपने कपड़े खुद साफ करते हैं और उस पर कोई एक दाग थोड़ा सा पड़ता है तो बहुत दुख होता है, तो बहुत दुख होता है। वही कपड़ा कोई और साफ करता है नहीं, होता है नहीं होता है तो मैं चाहता हूं कि बच्चा उस पीड़ा को खुद ही एक्सपीरियंस करे तब सही माने में गांधी के विचार समाज में लाए जा सकते हैं और इसी को लेकर के इस सेंटर की स्थापना की गई है और अच्छे से वो सेंटर कार्य करना शुरू कर दिया है आ, योगासन को लेकर के एक उपयोग और हम आपसे बताना चाहेंगे जी। सिर्फ लेक्चर नहीं हम चरखा रखने जा रहे हैं अच्छा। चरखा काटेंगे बच्चे और क्यों आ, ये मेरा एक्सपीरियंस है ये बात मुझसे प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब जब वाइस चांसलर तो उन्होंने कहा कि गांधी सेंटर पर चरखा रखवा दो। मैं इग्नोर किया <laughs> कुछ महीनों बाद उन्होंने कहा चरखा रख दिया गया हमने कहा नहीं बोले कि रखवा दो फिर बाद में हम तुमसे बात करेंगे तो मुझे लगा कि थोड़ी इनकी नाराजगी है मैं रख देता हूँ खरीद करके और आप बिलीव नहीं करेंगे एक साल बाद दो अक्टूबर को वहाँ कार्यक्रम हुआ एक बच्ची और एक बच्चे सबसे एक्सपीरियंस पूछ रहे थे उस बच्चे ने कहा कि मुझे माइग्रेन था थर्ड लेवल का लेवल और वो घट लेवल वन हो गया और बच्चे ने कहा कि मैं डिप्रेशन में चला गया था कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन देन आई रियलाइज कि ये चरखा मेडिटेशन है जगली तो गांधी ने जिस चरखे की बात की है वह सिर्फ सूत काटने की बात नहीं थी वह मेडिटेशन की बात थी वह कैरेक्टर जो है निर्माण की बात थी वह चरित्र निर्माण की बात थी वो राष्ट्र निर्माण की बात थी वैसे एक हमारी यूनिवर्सिटी जो जमी यूनिवर्सिटी है इस पे रिसर्च कार्यक्रम बहुत चलते हैं बहुत कार्य हो रहा है लेकिन जिस लेवल पे हम नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हमारे स्कॉलर्स की किताबें जानी चाहिए या होनी चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है वो क्यों मतलब चूंकि आप तो चौदह महीने से ही हैं यहाँ पे लेकिन वजह क्या है आपने कारण स... तो समझा होगा कुछ आप उसकी दो वजह हैं एक वजह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा बनाई हुई क्राइटेरिया जिसमें कि ये कह दिया गया कि पीयर रिव्यूड जर्नल भी आपका कंसीडर कर लिया जाएगा पब्लिकेशंस में और प्रमोशन के लिए तो क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस जो होना चाहिए था जो वो गिर गया और सिर्फ यही नहीं सिर्फ क्वांटिटी पे सिर्फ क्वांटिटी पर ये यही नहीं हिंदुस्तान की हर विश्वविद्यालय में वो गिरा दूसरा पार्ट आता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं जी। वो पब्लिकेशन चार्ज हैबली करने लगे वो मांगने लगे और वो सपोर्ट सिटीज को और हमारी फैकल्टी को नहीं मिल पा रहा है, पा रहा है। तो पब्लिकेशन चार्ज जब नहीं उसको कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है तो ही आर सी इज टू पब्लिश द पेपर इन लोकल जर्नल्स रिव्यूड जर्नल्स और यूजीसी केयरलेस जर्नल्स सो इस कारण से जो क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन हिंदुस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों की होनी चाहिए उसमें गिरावट आई है तो हमारी भी विश्वविद्यालय में उसके कारण आई है और मैंने प्रयास किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट इस बार फैकल्टी को दिया गया है सीट ग्रांट दिया गया है और पॉइंट फाइव लैख साइंसेज को 1.5 पॉइंट फाइव लैख सोशल साइंसेज और ह्यूमटीज को इस ढंग से या कॉमर्स को मैथमेटिकल साइंस हर फैकल्टी को हमने रिसर्च ग्रांट और सीट ग्रांट यंग फैकल्टी को ओवर एंड एबअप टू दैट सीड ग्रांट दिया है और अभी ट्रांसडिसिप्लिनरी मोड में मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी द जम्मू रिजन एग्रीकल्चर से हो सकता है बिजनेस से हो सकता है किसी से हो सकता है एंड देन उसमें ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस साइंसेस तीन डिफरेंट स्ट्रीम्स कोई भी हो सकती और छः से आठ बच्चे डिफरेंट स्ट्रीम्स के तो तीन मिनटर्स रहेंगे छह से आठ बच्चे रहेंगे डिफरेंट स्ट्रीम्स के यू हैव टू द प्रॉब्लम तो पीयर लर्निंग होगी एक दूसरे से बातचीत होगी उस प्रॉब्लम पर ढंग से काम करेंगे एंड देन यू कैन कम आउट विद दिस तो वो हमने आठ प्रोजेक्ट दस लाख रुपए पर प्रोजेक्ट फॉर वन ईयर ये किया थैंक यू बहुत बढ़िया रहा आपसे बातचीत हुए हम और मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं जेके न्यूज़ टुडे के वो आपकी बात को सुनेंगे समझेंगे और उनकी भी एक विज़न जो है उसमें उनका इजाफा होगा बढ़ोतरी होगी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद